हमारे साथियों, इस सेशन में जो हम लोग पार्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का, वो हमारा है अर्थमेटिक मीन, राइट। अब अर्थमेटिक मीन होती क्या है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए। सपोज मैंने नंबर ए और बी ले लिया, उसके बीच में मैंने एक नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेट्स से वो नंबर आपका है एक्स, तो ये नंबर आप ऐसा इंट्रोड्यूस कीजिए ए और बी के बीच में जिससे कि ए कॉमा एक्स कॉमा बी जो है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दे। तो इसी एक्स को जो आप कहेंगे वो अर्थमेटिक मीन कहेंगे नंबर्स ए एंड बी का, राइट। बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x will be equal to a plus b, क्यों? क्योंकि a कॉमा एक्स कॉमा बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब देखिए यहां पे क्यों मैं कह रहा हूं कि 2x will be equal to a plus b, क्योंकि ये पहले भी हमने पहले सेशन में डिस्कस किया है, और उस सेशन के सारे वीडियो को, जितने भी सेशंस पीछे हो चुके हैं हमारे सीक्वेंस सीरीज के, सारे वीडियोज को आप देखिए, तभी जाकर के सारी बातों को आप समझ पाएंगे। तो a कॉमा एक्स कॉमा बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो x जो कहलाएगा a और b का अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। यदि ऐसा होगा तो x माइनस ए विल बी इक्वल टू b माइनस एक्स लिखेंगे, तो उस केस में 2x विल बी इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब कोई भी दो नंबर आपको दे दिया जाए, a और b कोई भी दो नंबर दे दिया जाए, तो उसका अर्थमेटिक मीन यदि पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। लेट्स से आपको हमने दे दिया 4 एंड 8, अब बताइए इसका अर्थमेटिक मीन, तो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 6। इसका तो हो गया कि 4, 6, 8 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, नंबर ले लिया ए और बी, इसके बीच में मैं एक नंबर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक्स, ठीक है, और ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिससे कि हमारा जो ए कॉमा एक्स कॉमा बी बने वो किसमें बन जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ए कॉमा एक्स कॉमा बी, एक्स को मैंने ए और बी के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, ए कॉमा एक्स कॉमा बी जो बन रहा है वो आपका एपी में बन रहा है, राइट। तो ए कॉमा एक्स कॉमा बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन गई। तो इसी एक्स को हम लोग कहेंगे ए और बी का अर्थमेटिक मीन, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स माइनस ए विल बी इक्वल टू बी माइनस एक्स, क्योंकि ये तीनों टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। तो x माइनस ए विल बी इक्वल टू बी माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2x विल कम आउट a प्लस बी, एंड हेंस x विल बी इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, राइट। ये आ गया x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। इसका तो ये दो नंबर a और b दे रखा है, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, क्योंकि x ही तो अर्थमेटिक मीन है a और b का। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें, मतलब हो गया यदि आपको 5 और 13 दो नंबर मैंने दे दिया, कहा कि भैया इसका अर्थमेटिक मीन बताइए, तो 5 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 13 इज 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, इसका मतलब 5, 9, 13 आर इन एपी एंड 9 विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 13, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को कई जगह पे यूज किया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, और हम लोग इसको आने वाले टाइम में कई जगह पे अप्लाई भी करेंगे। दो नंबर ए और बी के बीच में जितना चाहें उतने सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो सारे नए टर्म्स आएंगे, जो सारे टर्म्स आएंगे वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब हमारा ये है कि सपोज मैंने देखा यहाँ पे कि दो टर्म्स ए और बी ले लिया, दो नंबर ए और बी ले लिया, अब मैं इसमें दो नंबर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ एक्स वन एंड एक्स टू, a कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा बी, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेस में होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दो अर्थमेटिक मीन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द नंबर्स a एंड b, राइट। तो देखिए आप लोग, दो नंबर आपने a और b ले लिया, और इसके बीच में दो नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया एक्स वन एंड एक्स टू, जिससे कि a कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा बी अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि एक्स वन एक्स टू आर द टू एम्स बिटवीन a एंड b। तो दो नंबर ले लिया मैंने a और b, इसके बीच में मैंने इंट्रोड्यूस किया दो नंबर्स एक्स वन एंड एक्स टू, जिससे कि a कॉमा ए, जिससे कि ए एक्स वन एक्स टू बी आर इन एपी,
तो x1 x2 आर द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी। इसी तरीके से यदि मैं तीन अर्थमेटिक मीन इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं तीन नंबर ले लूंगा x1 x2 एंड x3 और इसके बाद लिखूंगा a कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग कहेंगे कि मैंने तीन अर्थमेटिक मीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया x1 x2 x3 को बिटवीन द नंबर्स a एंड b, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरी जो बात हम लोग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को करते हैं हम लोग इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर ए एंड बी। अब अगली बात क्या आती है, अब अर्थमेटिक मीन्स दो नंबर ए और बी के बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो इसको हम लोग समझेंगे एक प्रॉब्लम के थ्रू, राइट। तो देखते हैं हम लोग वो प्रॉब्लम के बारे में। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द सीक्वेंस विल फॉर्म द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर हमने ले लिया x1 x2 x3 x4 एंड x5 बिटवीन 8 एंड 26। तो हम लोग कहेंगे 8 कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 कॉमा x5 कॉमा 26 आर इन AP। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। एट एंड 26 के बीच मैंने 5 नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे कि ये जो टर्म्स हैं वो AP को फॉर्म करें, राइट। अब हमारा पर्पस है x1 x2 x3 x4 और x5 की वैल्यू निकालना, तो अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि आप x1 निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है, ये आपका सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म तो तब निकलेगा ना जब आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें। तो हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो इस AP का पता ही है, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो कॉमन डिफरेंस अब निकलेगा कैसे, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलेगा, इसका लास्ट टर्म पता है, इसका nth टर्म पता है, मतलब 26। अब देखिए यहां पे 26 कौन सा टर्म है, 26 आप देखेंगे यहां पे तो ये आपका सातवां टर्म है, राइट। क्यों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो 26 कौन सा टर्म हो गया, सेवंथ टर्म हो गया। यदि 26 सेवंथ टर्म है तो अब मैं यहाँ पे nth टर्म का जो फॉर्मूला AP का होता है वो लिख करके फिर इसके बाद मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेवंथ टर्म हमारा 26 के इक्वल है, तो t7 विच विल बी इक्वल टू 26 विल बी इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है 8, तो यहाँ पे 8 डालेंगे, n कितना डालेंगे 7, तो 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 6d, राइट। तो मैं लिख देता हूँ 8 प्लस 6d, तो a की वैल्यू आपने 8 प्लेस किया, n की वैल्यू आपने 7 प्लेस किया, तो क्या आ गया आपका ये वाला पार्ट, ये आ गया 8 प्लस 6d। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 26 माइनस 8 विच विल कम आउट, सिंपल सी बात है 18 डिवाइड बाई 6 विच विल कम आउट 3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP विल बी इक्वल टू 3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद D आपको आ गया सिंपली 3 के इक्वल। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, आप कोई भी टर्म इसमें से निकाल लीजिए, तो बताइए ये वाला टर्म कितना होगा, आप मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए, 8 प्लस 3 इज 11। क्यों, क्योंकि यदि फर्स्ट टर्म a है तो अगला वाला टर्म a प्लस डी, तो ये वाला कितना हो गया बेसिकली 8 प्लस 3 दैट मींस 11। अगला वाला टर्म इसी में 3 और ऐड हो जाएगा x1 में, तब क्या आ गया 11, दिस वन विल बी 14, दिस वन विल बी 17, दिस वन विल बी 20, दिस वन विल बी 23। बहुत आसान, कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं, समझे बात को। इसका मतलब हो गया x1 की वैल्यू 11, x2 की वैल्यू आपकी 14, x3 की वैल्यू आपकी 17, x4 की वैल्यू आपकी 20 एंड x5 विल बी इक्वल टू 23। इस तरह से आपने ये पांच नंबर्स को 8 और 26 के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे कि ये वाला जो सीक्वेंस बने वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाए। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑफ
एन अर्थमेटिक मीन्स, दैट मीन्स इंसर्शन ऑफ फाइव अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर 8 and 26। इसी प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, इंसर्ट फाइव अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर 8 and 26। इंसर्ट फाइव नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच डैट द सिक्वेंस फॉर्म विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों बात एक तरह से एक ही है, राइट? तो इस तरीके से हमने इस सेशन में जो बात कराया वो बात कराया हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो है अर्थमेटिक मीन का समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं आपको कहता ही रहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में, अवेयर कीजिए उनको हमारे बारे में कि हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि उनको भी हमारे काम से मदद मिले। तो मिलते हैं फिर से अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए साथियों अलविदा, आपका दिन काफ़ी काफ़ी अच्छा रहे।